हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान साहित्यकार किरण शर्मा जी हैं। किरण शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा कब से प्रारंभ की, किसकी प्रेरणा से शुरू की, ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं किरण शर्मा जी से। किरण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार सर, और जो सभी श्रोतागण हैं और जो भी आदरणीय सभी कविजन हैं, सर्वश्रेष्ठ साहित्य कलमकार हैं, उन सबको भी मेरी ओर से हार्दिक प्रणाम। उनका भी आभार कि उनकी प्रेरणा स्रोत के कारण ही मैं इस क्षेत्र में आ पाई, और कहीं ना कहीं उनमें से कुछ कवि जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में रहे, उनके कारण मैं स्वयं एक कलमकार बन पाने में अपने जीवन को आगे प्रोत्साहित कर पा रही हूँ। जी किरण जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? मेरा नाम किरण शर्मा है और जन्म मेरा कोटा राजस्थान का ही है। कोटा ही मेरी जन्मभूमि है, और जैसा कि जानते हैं कि कोटा शिक्षा नगरी भी है, तो कोटा में रह कर के ही मैंने ये प्रयास किया, क्योंकि कलम शिक्षा नगरी में कलम का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और यहाँ पर रह कर के ये जानना कि हम कलम से क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ से ही मेरे जीवन की मुझे लगता है कि एक सफल यात्रा शुरू हुई। वैसे देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे अध्यापकों को जाता है, जिन्होंने मेरे जीवन में इस आवश्यक रूप को दर्शाया। जब कक्षा 11वीं की है बात, जब कक्षा 11वीं में थी मैं, उस समय जब मैंने हिंदी साहित्य विषय लिया और मेरे साहित्य अध्यापिका रहीं श्रीमती नीना त्रिवेदी मैम, और उनके साथ में मेरी प्रधानाचार्य रहीं कृति मेहरोत्रा मैम। मेरी प्रधानाचार्य ने मेरी हिंदी की आंसर राइटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मुझ पर कि तुम जितना हो सके उतना अच्छा लिख सकती हो। और वहीं पर जो हमारी हिंदी साहित्य पढ़ाने वाली मैम थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने साहित्य का एक असली महत्व क्या होता है वो मुझे बताया कि किस प्रकार से साहित्य तुम्हें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। साहित्य केवल हास्य या व्यंग्य का विषय नहीं, बल्कि तुम्हें एक आदर्श और सफल जीवन प्रदान करता है। विचलित मन को भटकने से बचाने का स्रोत साहित्य है। वहाँ मुझे लगा कि अब एक विद्यार्थी से बढ़कर के आगे बढ़ना चाहिए, और उस समय एक कलमकार के रूप में मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। वर्तमान समय में मैं सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन अपना कलम का जो लेखन है इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती और ना ही छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य में भी अगर उस सफलतम ऊंचाई तक मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ ये मेरा सबसे बड़ा सहारा रहेगा, मेरे जो साथ में जो पीढ़ी है या भावी जो पीढ़ियाँ होंगी उनको एक सही मार्ग प्रदर्शन करने में। किरण जी, जब आपने कलम थामी साहित्य लिखने के लिए, तब कैसा महसूस हुआ था आपको? शुरुआत में मैंने कविता लिखी थी 2018 में, और उस टाइम पे मैंने कविता लिखी थी जब मैंने सुना था कि आप कुछ भी कर सकते हो, कलम आपको कुछ भी सिखा सकती है। और उस समय मैंने खुद की लिखी हुई कविता ही 26 जनवरी को हमारे विद्यालय में ही एक प्रोग्राम हुआ, और उस समारोह में मैंने वो काव्य वाचन किया। तब मुझे एक अनुभूति हुई कि एक हमारे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं एक भाग्य तो मिल ही गया, मानव जीवन मिल गया, लेकिन अब इस मानव जीवन को आगे बढ़ाना है और उस सौभाग्य को प्राप्त करना है, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उस सौभाग्य की ओर अग्रसर हूँ। किरण जी, आपने किस साहित्य सृजन किन किन विधाओं में किया? साहित्य मैंने मुक्त स्वतंत्र रूप से ही लिखा है। जो मेरा मुक्तक काव्य है उसमें मैंने कई जगह पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया जी, अलग अलग रस का प्रयोग किया, कहीं पर प्रेम रस का प्रयोग है, प्रेम में ही करुणा और भक्ति को उत्पन्न करने का प्रयास किया, क्योंकि आज के समय में मैंने देखा कि प्रेम कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय बन गया है जो भटका रहा है। उस समय मैंने प्रयास किया कि हमारे पास में भी ऐसे काफ़ी रिश्ते होते हैं हम जिनको महत्व दे सकते हैं,
जैसा कि हम जानते हैं अभी वर्तमान समय में कई सारे सोशल ऐप हैं, इनसे हमारी भावी पीढ़ी सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है। उस भावी पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को मुझे एक प्रेरणा स्रोत, एक आदर्श प्रदान करना है। और सबसे ज़्यादा मेरा यही ध्यान रहा कि मैं जो लिख रही हूँ उसमें प्रेम का महत्व दर्शा सकूँ। मेरे मुक्तक उसी से संबंधित हैं और प्रयास भी ये है कि वो मुक्तक जो है वो अभी वर्तमान समय के सभी बच्चों को एक सही मार्ग प्रदर्शन कर सके। किरण जी, ऑफलाइन ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ होती है तो उनसे भी आप जुड़ी रहीं? हाँ, शुरुआत में मैंने काव्य के जो मंच होते हैं वो शुरू किए। सबसे पहला मेरा काव्य मंच कोटा में ही हुआ था, चंद्रा ढाणी जो जगह है कोटा में जी, उस होटल में मेरा सबसे पहला काव्य मंच हुआ। उसके बाद में मैंने काफ़ी काव्य मंच किए, लेकिन पर मुझे लगा कि अब मुझे मंचों से हटकर कुछ करना है। अभी तक मेरी किताबें प्रकाशित नहीं हुई है, पर मेरा प्रयास है कि किताबें मैं प्रकाशित करूं और उसमें मुझे जो मेरे सर, जो मेरे बड़े जन हैं, अगर मुझे उनका सहयोग मिलेगा तो संभव है कि मैं उस उपलब्धि को भी प्राप्त कर पाऊं। लेकिन अभी मैंने अखबार में कविताएं दी है शीर्षक सहित, और साहित्य गोष्ठियां जो ऑनलाइन होती है उसमें बहुत काव्य गोष्ठियां मैंने उनको अटेंड किया। इसके अलावा हाड़ोती का कर्म का जो ग्रुप है उसमें जुड़ी हुई हूँ। कोटा कवि चौपाल ग्रुप है, वहाँ पर हर दिन प्रतियोगिता होती है, हर 7 दिन में वो एक शीर्षक देते हैं, उस शीर्षक पे हमें कविता लिखनी होती है। तो वो एक काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं हमको कि हम अच्छी से अच्छी कविता लिखने का प्रयास करें, और कोशिश ये रहती है कि जो वर्तमान समय की प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हम वो कविताएँ लिख सकें। जी किरण जी, जो आपके द्वारा रचित जो काव्य है वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, जैसा आपने मुझसे कहा कि कलम ने आपको क्या दिया जी, तो मैंने कलम के लिए ही लिखा पहले। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि कलम ने जीवन को सफलता प्रदान की, तब 4 पंक्तियाँ। बिल्कुल, कलम को हमने छुआ तो कलम ने छू लिया हमको, स्याही पन्नों तक पहुंची, लिख दिया हर पल को, मुझे अपने भावों लेखनी पर भरोसा है, मुझे अपने भावों लेखनी पर भरोसा है, माता शारद दे देंगी सफलता इस जीवन को, माता शारद दे देंगी सफलता इस जीवन को। और जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कलम हमें भक्ति से जोड़ती है। बिल्कुल, और राम और कृष्ण को अगर हम देखें तो हमसे, हम जब सगुण भक्ति से जुड़ते हैं तो हमसे प्रश्न किया जाता है कि भक्ति आपकी कैसी होती है। बिल्कुल, तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया कि भगवान कहाँ है, हम खोजें तो हमारे में ही हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है कि आपके अंदर आपका ईश्वर निवास करता है, तब मैंने कविता लिखने का प्रयास किया। बिल्कुल, वो तो राम में और श्याम में है, वो तो राम में और श्याम में है, मेरे भगवान तो मेरे ध्यान में है, मेरे भगवान तो मेरे ध्यान में है, कैसे तन से विलग करूं मन को, कैसे तन से विलग करूं मन को, मेरे ईश्वर तो मेरे प्राण में है, मेरे ईश्वर तो मेरे प्राण में है। किरण जी, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हो? हाँ। और साहित्य में अपनी कलम, अपनी लेखनी भी बराबर चला रही हो, कैसे समय मैनेज कर पाती होंगी आप इनका? मैं सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ में LL में अध्यापन कर रही हूँ वर्तमान समय में जी। समय को व्यवस्थापित रूप से प्रयोग करना तो बहुत कठिन हो जाता है इन सब के बीच में जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई सारे साहित्यकार को सुनने पर, और जो ऐसा कि अभी हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं,
तो हमें उन ग्रुप से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारा लेखन बंद नहीं करना। और सिविल सेवा की परीक्षा आपको ये दिखाती है कि अगर नाव को जल में छोड़ दिया है तो जल में छोड़ने के बाद आंधी आए या तूफान आए, पर आपको आपकी राह से भटकना नहीं है। जब छोड़ ही दिया तो तूफान क्या, मझधार क्या, पार होना है। तब बस इस बात पे यकीन कर रखा है कि कुछ लिखना है, कुछ करना है। तैयारी मेरी बहुत मुश्किल से हो पाती है वर्तमान, अगर मैं बात करूँ तो मुझे इस तैयारी में बहुत ही मुश्किल से अपना समय देना पड़ता है। पर मेरा प्रयास जो रहता है कि जब कभी भी मैं अपने अध्यापन से फ्री होती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं उस तैयारी के साथ में हिंदी साहित्य मेरा मुख्य विषय है उस परीक्षा का, मैं वहाँ से साहित्य को साहित्य का ज्ञान अर्जित करके और फिर कविताएं लिखती हूँ। जी किरण जी, किन साहित्यकारों का आपके साहित्य में प्रभाव देखने को मिला? क्योंकि पुराने साहित्यकार भी आपने पढ़े होंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी, या वर्तमान में जिनसे आप लोग जुड़ी हुई हों। जी वर्तमान समय में तो जो कवि भूपेंद्र सिंह जी सर हैं जी, वो मेरे अध्यापक रहे। कक्षा 10 में उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं उनकी विद्यार्थी रही उस समय। जैसा मैंने कहा, जब मैं 11वीं में आई और जब मैंने साहित्य पढ़ना शुरू किया, साहित्य का वास्तविक अर्थ समझा, उस समय ये जाना कि साहित्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं, अपने आप से कुछ लिखना है। तब मैंने एक बार YouTube पे देखा कि ये तो मेरे ही अध्यापक है जो कविताएं गाते हैं। कविताएं मैं YouTube पे खोज रही थी और मैंने देखा कि अध्यापक अपने हैं जो कविताएं गाते हैं। उनसे मैंने संपर्क किया, तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी कविताएं लिखो, अपनी इच्छा से जो लिख सकती हो वो लिखो, फिर मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँगा। और जो मेरा पहला कवि सम्मेलन था वो उन्हीं के द्वारा मैंने वहाँ पर शामिल हुई मैं उस कवि सम्मेलन में। वहाँ पर गिरिराज जी अमेठा थे, जगदीश जी हाड़ोती थे, उसके अलावा और भी कई सारी कवि नेना नसीब हैं, काफ़ी कवित्री और कवियों के साथ में। फिर उसके बाद में मंच शुरू किए और उसके बाद में मंच से हट कर के लिखना शुरू किया। तो इसमें भी जो वर्तमान साहित्यकार हैं, हरिओम पवार जी हैं और जो बड़े भैया कुमार विश्वास हैं जिनको सब जानते हैं, कविता तिवारी हैं, अनामिका अंबर जी, अमित शर्मा जी, प्रेम के कवि अमन अक्षर, ये सब वर्तमान साहित्यकार जो भावी पीढ़ी को कुछ उद्देश्य देना चाहते हैं कि साहित्य का मुख्य मतलब क्या होता है, वो बताते हैं। अभी जो कुमार विश्वास लिख रहे हैं, भक्ति पर लिख रहे हैं, उन्होंने पहले प्रेम का मतलब बताया। बिल्कुल। अमन अक्षर जो हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रेम का महत्व है। ये मेरे साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर प्राचीन साहित्यकार की बात करूँ तो सगुण भक्ति के तुलसीदास जी, हमारे राजस्थान की मीराबाई, ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जैसा कि तुलसी ने कहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होई। और मीरा जो है वो जो कृष्ण की भक्ति करती हैं, मीरा भी मेरे जीवन, क्योंकि मेरे आराध्य कृष्ण हैं। अगर मैं मेरी भक्ति की बात करूं तो मैंने आराध्य कृष्ण को माना हुआ है। और उस जगह राजस्थानी होने के कारण भी और मीरा का साहित्य मेरे कृष्ण से संबंधित होने के कारण मुझे ये चेतना देता है कि कृष्ण क्या हैं, कृष्ण का वास्तविक मतलब मीरा बताती हैं, प्रेम का अर्थ क्या होता है मीरा बताती हैं। उन्होंने कृष्ण को पाया नहीं लेकिन कृष्ण से जुड़ी रहीं, वहाँ उनकी भक्ति और उनका प्रेम दोनों प्रदर्शित होता है और वो मेरे काव्य सृजन में मुझे बहुत सहायता देता है। मैंने भी चार पंक्तियाँ लिखी कि सुनाई। ओढ़ कर बने उपवन जाते कंबल मुझे बना लेना, ओढ़ कर बने उपवन जाते कंबल मुझे बना लेना, निज पग से जिसको छू लो वो कंकर मुझे बना देना, निज पग से जिसको छू लो वो कंकर मुझे बना देना, तेरे प्रेम में दीवानी दासी बनने को राजी, राधा रुक्मणि ना सही पर मीरा मुझे बना लेना, राधा रुक्मणि ना सही पर मीरा मुझे बना लेना। किरण जी, जब पहली बार आपकी जो रचनाएं या कहानियां अखबार में या आकाशवाणी कहीं से भी प्रसारण या प्रकाशित हुई होगी, तब कैसा अनुभव हुआ आपको, कैसी प्रसन्नता मिली? ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय रहा जी, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि
जैसा मैंने कहा कि उस सौभाग्य की ओर, कि कवि होना सौभाग्य है, और उस सौभाग्य की ओर मैं बढ़ रही हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर हम प्रयास करें तो क्या नहीं कर सकते, हर कुछ संभव है हमारे प्रयासों से। और जब पहली बार मैंने कविता को देखा, पत्रिका में एक कविता आई थी, और उस कविता को देख कर के मुझे, मेरी मैम ने, जो मेरे अध्यापक रहे हिंदी साहित्य के, उन्होंने, मेरे माता पिता ने, उन सबको भी ये लगा कि वास्तव में कुछ कर सकती हैं। और उसके बाद से उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम काव्य लेखन क्यों करती हो, मंच क्यों शुरू किए तुमने। सबसे बड़ा एक होता है कि हमें अकेले जाना पड़ता है मंचों पर। तो इस प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में सामाजिक तौर पर मुझे देखने को नहीं मिली जी। और ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय रहा कि मैं उस मार्ग पर बढ़ रही हूँ। जब भी कविता अखबारों में आती हैं या किसी मैगजीन में आती है, तो उसको देखकर ये लगता है कि बहुत जल्द जो मैं चाहती हूँ, अपनी पीढ़ी को एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना, शायद वो प्रेरणा स्रोत में बन सकूँ। और भविष्य में, क्योंकि हमारे जीवन का तो अंत है, लेकिन हमारे लेखनी का कोई अंत नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा लेखन हमें अमर बनाता है। और मुझे लगता है कि अगर ये साहित्य क्षेत्र मेरा इसी प्रकार से आगे चलता रहा, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक अमिट छाप जो है वो छोड़ जाऊंगी इस भावी पीढ़ी के लिए। तो ये हास्य का नहीं, बल्कि पर मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय रहा। कुछ लोग समझते थे कि कविता लिख रही है, क्या करोगी कविता लिख के, आज का दौर है, इंग्लिश लिखो, अंग्रेजी लिखो। क्योंकि मेरा MA डबल चल रहा है, एक हिंदी से और एक इंग्लिश से जी। तो ज़्यादातर का ये मानना रहा कि तुम इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहे हो, हिंदी में क्यों लिख रहे हो। तो हम ये कैसे भूल जाएं कि हम जिस देश में, उस देश की भाषा ये है, देशवाचक सर्वाधिक प्रयोग इसका करते हैं, हमारा संविधान जिसको स्वीकार करता है, तो इस भाषा से हम मुकर नहीं सकते। और जब अंग्रेज अपनी अंग्रेजी नहीं छोड़ रहे, तो हम हिंदुस्तानी अपनी हिंदी क्यों छोड़ें। यही सोच करके मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ, और यही सोच करके कि मेरी कविताएं एक दिन प्रकाशित हो किसी किताब से, उसके लिए मैं और अग्रसर हूँ। शायद ये प्रसन्नता तब दुगनी हो जाए, सोने पे सुहागा जैसा कहा जाता है, शायद ये वैसा होगा जी। बहुत उत्तम विचार है किरण जी आपका। किरण जी, आप जो साहित्य लिख रही हैं, उसमें समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, मुझे लगता है कि बुज़ुर्ग एक समय तक आते आते अपने अनुभवों से पहले ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, और वो दूसरों को सिखाने लगते हैं। क्योंकि मैं अपने विषय में भी अगर बात करूं, तो मेरी दोस्ती अपने बराबर के लोगों से कम रही। मेरे साथी जो होते हैं, उनसे केवल मैंने एक संबंध बातचीत का रखा, लेकिन उन्हें कभी जीवन में उतनी मुख्यता नहीं दी जितना कि मैंने मेरे बुज़ुर्गों को महत्व दिया। और उन बुज़ुर्गों से मैंने सीखा, जब देखा कि बुज़ुर्ग ज़्यादा सीख जाते हैं, माता पिता में देखें तो उनसे थोड़ा कम होता है, और हमारी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते हैं कुछ पाने के लिए। अब उनको जैसा मिलता है वो उस ओर बढ़ने लगते हैं। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो पीढ़ी वर्तमान की है, जो बच्चे हैं और जो वर्तमान समय में युवा हैं, वो एक सही मार्ग की ओर अग्रसर हों। तो मेरा सबसे पहला ध्येय ये है, एक तो ये कि पीढ़ी हमारी भटके ना जी। शिक्षा केवल रोजगार का विषय नहीं है, या फिर शिक्षा केवल हमें आज़ादी नहीं देता इस बात की कि हम कुछ भी कर सकें। और मुझे बताना है बच्चों को कि अगर आप चाहें तो आपकी शिक्षा आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकती है, और अगर आप चाहें तो आपकी शिक्षा आपको फर्श पर ले जाने के बाद में भी अर्श तक ले आती है। बहुत बहुत अच्छी बात। किरण जी, आपने गद्य और पद्य दोनों लिखा जी, तो आपकी जो कृति आएगी यानी भविष्य में, वह किस रूप में आएगी, गद्य में या पद्य में, या दोनों का समावेश होगा? दोनों का समावेश होगा। और मेरी जो सबसे पहली कविता जिसका मैं प्रयास कर रही हूँ कि वो प्रकाशित हो, वो मेरा भाई करके आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे जिम्मेदार बनाने में उसका बहुत प्रयास है, और मेरा पद्य भी उससे संबंधित है, और मेरा गद्य भी शुरुआत में मेरा उसी से संबंधित है। और उसकी जो चार पंक्तियाँ हैं, वो चार पंक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ, सुनाइए। मेरे घर के आंगन का एक फूल है वो, मेरे घर के आंगन का एक फूल है वो, है सबका दुलारा तो मेरा मूल है वो, है सबका दुलारा तो मेरा मूल है वो। जब से आया उसके साथ हर घड़ी बिताई है, हर संबंधों से बढ़ के जग में मेरा भाई है, हर संबंधों से बढ़ के जग में मेरा भाई है। इस
की शुरुआत पंक्तियाँ ये होंगी जी, और ये कविता मेरी पद्य के रूप में सबसे पहले प्रकाशित होगी मेरा भाई करके। वाह बहुत बढ़िया। किरण जी, आप इस साहित्य लेखन को अनवरत जारी रखना चाहेंगी, ऐसा आपका विचार है जी। तो कोटा में जो साहित्यकार हैं, जैसे महिला साहित्यकार की बात करें अपन, तो उनसे भी आप जुड़ी रही होंगी, कैसा लिख रही हैं आज के जो नवोदित जो महिला साहित्यकार? वर्तमान में जैसा मैंने कहा कि काफ़ी कवियत्री से जुड़ना हुआ, काफ़ी कवियत्री से संपर्क हुआ जी। पर जिन कवियत्रियों से मैं अधिकतर जुड़ी वो मुझे मंच पर मिली जी। और मंच पर उन कवियत्रियों से मैंने ये देखा कि जहाँ तक हम प्रेम को समझ प्रेम का, क्योंकि कवियत्रियों का ज़्यादातर रुझान प्रेम की ओर लिया जाता है कि वो प्रेम लिखें जी, और उनको देखकर मुझे ये लगा कि केवल हम अपना श्रृंगार प्रस्तुत करें या फिर एक विषय प्रेम का इस रूप में प्रस्तुत करें, जहाँ पर हमारी पीढ़ी, जैसा मैंने कहा वर्तमान की पीढ़ी, एक गलत रूप बना लेती है। मैं आक्षेप नहीं कर रही, किसी के ऊपर आलोचना नहीं कर रही हूँ, सबका अपना विषय होता है, पर यह है कि ज़्यादातर कवियों से जिनसे जुड़ी हूँ उनका मुख्य उद्देश्य अगर मंच पर रहा तो वो ये है कि वो प्रेम का ही स्पष्टीकरण देना चाहती हैं। पर मैं उनसे भी यही निवेदन करती हूँ कि हम जिस क्षेत्र में हैं, ये साहित्य का विषय, और वो जो लिखें वो लिखें जिसके द्वारा हमारी पीढ़ी को प्रेम का सही मतलब समझ में आए। मैंने काफ़ी कविताएं सुनी हैं जी। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ओच की भी कवियत्रियाँ मिलती हैं, जैसे कि कविता तिवारी जी का मैंने नाम लिया जी। और कविता तिवारी जी एक ऐसी कवियत्री हैं जो लड़कियों को मुख्य रूप से एक वो मार्गदर्शन करती हैं जिससे वो सही रास्ते पर चले, उनका पथ सही हो। तो ऐसे हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए अगर हम एक कवियत्री हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते भी हमें जिस दृष्टि से देखा जाता है हमें ध्यान रखना चाहिए, और उस समय हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम केवल एक दर्शनी का विषय ना बने बल्कि वास्तव में एक ऐसा साहित्यकार बने, जैसे अमित चाप महादेव वर्मा छोड़ के गई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान छोड़ के गई हैं, वो हम बने ताकि हमारी पीढ़ी में स्त्रियों का सम्मान बना रहे। पहले जो स्थिति हमने देखा, पहले बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति हुआ करती थी, अब उस स्थिति से बढ़ के महिलाएँ हर क्षेत्र में जा रही हैं। तो हमारा ही प्रयास ये होना चाहिए कि महिलाओं को अग्रसर करने के लिए मैं यही निवेदन करती हूँ सभी कवियत्रियों से कि वो जो कविताएं लिखती हैं उनकी ज़्यादातर कविताओं का विषय अगर स्त्रियों के सम्मान से जुड़ा हो, स्त्रियों को क्या इस समाज में स्थिति मिलनी चाहिए इससे जुड़ा है तो बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी गरिमा राकेश गौतम कवियत्री भी हैं जी, वो भी लिखती हैं तो वो पीड़ा व्यक्त करती हैं, उनका साहित्य वो साहित्य गोष्ठी में अत्यधिक शामिल होती हैं, और उनका भी वो जो विषय रहता है वो यही रहता है कि स्त्री सम्मान का विषय है, अपमान का नहीं। तो मेरा यही है कि कवियत्रियों को रुझान, जब मैंने देखा है तो कवियत्रियों का इस प्रकार से रुझान हो कि वो हमारी पीढ़ी को एक सही मार्ग प्रदर्शित करें। प्रेम मार्ग में प्रेम है एक साधना, प्रेम मार्ग में प्रेम है एक साधना, प्रेम लड़ना नहीं है नहीं बांधना, प्रेम लड़ना नहीं है नहीं बांधना, प्रेम पावन समर्पण का भाव है, प्रेम पावन समर्पण का भाव है, प्रेम सीधा सरल है नहीं छलना, प्रेम सीधा सरल है नहीं छलना, जब भी कोई गम या आघात हो, जब भी कोई गम या आघात हो तो खुशी का ये मरहम बन जाता है, अपना कोई हमसे रूठ ना सके, प्रेम रूठे हुए को मना लाता है, प्रेम रूठे हुए को मना लाता है, प्रेम दिल से आती वो आवाज है, प्रेम दिल से आती वो आवाज है, अपने दूर नहीं अपने पास है, अपने दूर नहीं अपने पास है, कभी कोई शिकायत या शिकवा हो, कभी कोई शिकायत या शिकवा हो, अपना कोई हमसे
जब रुसे बाहो नैनो से अश्रु नीरे छलक रहा हो, अधरों की वो मुस्कान दूर गई, फिर प्रणय के दो बोल बोले दो तो मुरझाया वो चेहरा दमक जाता है, मुरझाया वो चेहरा दमक जाता है। प्रेम पथ में प्रेम एक साधना, प्रेम मार्ग में प्रेम एक साधना, प्रेम लड़ना नहीं है नहीं बांधना, प्रेम लड़ना नहीं है नहीं बांधना। बहुत बढ़िया। एक और मैं सुनाए माता पिता के लिए कि जो हमारे माता पिता होते हैं, ये प्रेम जो मैंने पढ़ा ये हर संबंधों के लिए है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे बंद करके रहे या जो हमारा केवल अच्छा अच्छा हमसे बोले वही हमारे साथ में प्रेम करता है या हमारा भला सोचता है, पर मेरा मानना है कि अगर आप सही हो तो आपका गलत बोलने वाला भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि कबीर ने कहा है निंदक नियरि राखिए आंगन कुटी छवाए। और जब आपको महसूस होता है तो आप इस बात को समझ जाते हो कि जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपसे गुस्सा भी होते हैं, आपसे शिकायत भी करते हैं जी। और यहीं पर हमारा एक संबंध होता है हमारे माता पिता से। तब मैंने अपने पिता के लिए लिखा, क्योंकि पिता वजूद होता है और बेटियां जो होती हैं उनका जुड़ाव भी अपने पिता से होता है। तब मैं कविता पढ़ती हूँ जी, पढ़े। मेरे जीने की तो ही वजह है तुझसे ही है वजूद मेरा, मेरे जीने की तो ही वजह है तुझसे ही है वजूद मेरा। रब ने सुनी जो तेरी रजा है, रब ने सुनी जो तेरी रजा है, तब ही है रूप रचा मेरा, तब ही है रूप रचा मेरा। जब मैं छोटी थी तब का मुझको कांधे पर बैठा कर सारी गलियां थे वो घुमाते, अपनी परवाह करते नहीं वो, पेड़ के जैसे तन जाते। मैं तो उंगली पकड़ती थी उनकी, मैं तो उंगली पकड़ती थी उनकी, पर वो हाथ थाम लेते मेरा, पर वो हाथ थाम लेते मेरा। रब ने सुनी जो तेरी रजा है, तब ही है रूप रचा मेरा, तब ही है रूप रचा मेरा। मेरी हर मुश्किल का हल वो पल भर में कर देते, मेरी हर मुश्किल का हल वो पल भर में कर देते, सपने पूरे करने को मेरे वो हर हद पार कर लेते। लगता है मैं हूँ गंगा सी, लगता है मैं हूँ गंगा सी, और पिता वो हिमालय मेरा, और पिता वो हिमालय मेरा। रब ने सुनी जो तेरी रजा है, तब ही है रूप रचा मेरा। कयामत का कोई डर नहीं है, कयामत का कोई डर नहीं है, हर सफर में साथ है वो मेरे, मौत भी कुछ बिगाड़ ना पाए, पापा का हाथ सिर पे है मेरे। मैं उस कश्ती की सिया हूँ, मैं उस कश्ती की सिया हूँ,
जिस कश्ती का केवट वो मेरा, जिस कश्ती का केवट वो मेरा, लब ने सुनी जो तेरी रजा है, तब ही है रूप रचा मेरा, तब ही है रूप रचा मेरा। ये थी हमारे साथ नवोदित साहित्यकार किरण शर्मा जी। किरण शर्मा जी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हैं और साथ में कोचिंग संस्थान में अध्यापन का कार्य भी कर रही हैं, लेकिन इनमें एक जज्बा है साहित्य का, और ये इन्होंने अपनी रचना काफ़ी रचना लिख चुकी और एक समाज को प्रेरणादायक रूप में अपना एक काव्य की जो कृति है लाना चाहती है समाज के सामने, उसमें यही संदेश रहेगा कि समाज उससे प्रेरणा ले और आज के युवा पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले। आज ये समय निकाल कर हमारे स्टूडियो पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और सभी दर्शकों का।